सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग प्रिय भैया बहनों। ए पैर क्वेश्चन का आज क्वेश्चन आंसर दिखाया जाएगा। व्हाट डिड फिजिशियंस आस्क सैदाई मदर टू डू गेट वेल? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? इफ नॉट व्हाई? तो तमाम डॉक्टरों ने सैदा की माता को ठीक होने के लिए क्या उपाय क्या किया? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? क्या उनकी सलाह उसका सहयोग की? यदि नहीं तो क्यों? द फिजिशियन आस्क्ड ए वैरायटी ऑफ मेडिसिन टू सैदाज मदर टू गेट वेल। देयर एडवाइस डिड नॉट हेल्प हर बिकॉज सी लिव्ड इन ए डिजनी रूम विथ डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड डेराइव ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। डॉक्टरों ने उसकी माता को तमाम प्रकार की दवाएं दी लेकिन वह उनका कोई सहयोग नहीं कर सकी, उनका सलाह कोई सहयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह एक बहुत छोटे से रूम में रहती थी जिसमें की खिड़कियां और दरवाजे इतने पैक थे कि उसमें सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा नहीं जा सकती थी। व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन? स्पेशलिस्ट ने दवा के अतिरिक्त क्या कहा करने के लिए? स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब ए बिगर रूम विथ अ डोर्स एंड विंडोज ओपन। स्पेशलिस्ट ने बड़ा कमरा जिसमें बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियां हों। ही आस्क्ड टू सीट इन सम एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 इन सनशाइन। और रोजाना सवेरे 8 to 9 बजे तक धूप में बैठने के लिए कहा। एंड फ्रेश एयर धूप में और ताजी हवा बैठने के लिए कहा। इन एडिशन टू मेडिसिन दवा के अतिरिक्त तो उसने क्या कहा कि बड़े कमरे में रहिए, धूप सूर्य का प्रकाश लीजिए, ताजी हवा लीजिए। व्हाट डिड सैदा टेल द सनशाइन सन रेज टू डू? सैदा ने सूर्य की किरणों से क्या कहा? सैदा टोल्ड द सन रेज दैट डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विथ अ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। सैदा ने सूर्य की किरणों से कहा, प्रिय बहन कल तुम पुनः इसी तेज और गर्मी से आना, आप देख रही हो कि मेरी माता बीमार है और तुम्हें उसके सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।